के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इसमें संघ तो फिलहाल देखिए पुलिस की स्क्वाड यहां पर पहुंच चुकी है और जो कि जल्द ही यहां पर जो देख पा रहे होंगे लोग एक पैर छूने के लिए तमाम जो है लगभग यहां पर मंच पर भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ से बागेश्वर बाबा यहाँ से जा चुके हैं तमाम जो नमस्कार। फिलहाल हम लोग इस समय माघ मेले में और माघ मेले प्रयागराज में हम लोग इस समय सतुआ बाबा के शिविर में और यहाँ पर जो कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल इसमें संगम में स्नान कर रहे हैं, वहाँ से सीधे यहीं पर पहुँचेंगे। कुछ यहाँ पर आप जायजा देख पाइए, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर व्यू देखने में आपको मिल रहा होगा और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनके इंतजार में हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और बाकी गेट का भी नज़ारा आप यहाँ पर देख पाएंगे। थोड़ा सा गेट का भी नज़ारा दिखाइए, वहाँ पर भी पुलिस व्यवस्था है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहाँ से जो है कि किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, आम जन को किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। जो भी यहाँ पर जो इसके सदस्य हैं सतुआ बाबा शिविर में जो लोग रहते हैं केवल वहीं आ पा रहे हैं या फिर मीडिया बंधु भी यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं और बाकी जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं उसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। फिर वो यहाँ से होकर के मेजा रोड की तरफ पहुँचेंगे जो कि यहाँ पर शहर से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और एक गाँव में उनका यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। 12 बजे से 3 बजे तक वो वहीं पर अपना दरबार लगाने वाले हैं और फिलहाल यहाँ से पहुँचने के बाद वो वहीं पर दरबार में पहुँचेंगे। तो फिलहाल देखिए पुलिस की स्क्वाड यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो कि जल्द ही यहाँ पर जो है कि बागेश्वर सरकार यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं और तमाम जो मीडिया के एक बंधु हैं यहाँ पर भी देखिए साथ में वो लोग भी एंट्री कर चुके हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आने दो। तो फिलहाल देखिए जो पुलिस की स्क्वाड है यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो सतुआ बाबा हैं वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद देखिए जो बागेश्वर धाम सरकार के हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी वो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और फिलहाल आप सामने देख पा रहे होंगे जो है यहाँ पर देखिए गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं बागेश्वर सरकार और कुंजू भाई यहाँ से तैयार होके यहाँ से वो रवाना होंगे मेजा तहसील के लिए जहाँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो कि बागेश्वर सरकार यहाँ से जो गेट से बाहर निकलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो किस तरह से और यहाँ पर देखिए साक्षात जो है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो है कि बागेश्वर सरकार को जो कि स्नान करके यहाँ से जो कि बाहर आ चुके हैं और इसमें सतुआ बाबा के शिविर में लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था अब यहाँ पर लगी हुई है और तमाम जो यहाँ पर और जो चलिए चलो चलिए सेवा समाप्त भागिए तो फिलहाल देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर देखिए जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल सामने आप देख पा रहे होंगे इसी में जो कि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी यहीं से एंट्री किए हैं और वहीं पर अभी बैठे हुए हैं और जलपान वगैरह ग्रहण करने के बाद ही यहाँ पर निकलेंगे और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर सामने आप देख पाइएगा। और यहाँ पर भीड़ हुजूम भी लगा हुआ है, चूंकि यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं थी उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ आमजन भी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम श्रद्धालु भी आए हुए हैं और पीछे की साइड भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक इनका बागेश्वर जी का जो है कि एक दर्शन करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आ पहुंचे हैं। फिलहाल आप सामने यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी मशक्कत के बाद जो है कि यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और जो तमाम सिक्योरिटी के जवान हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सामने आप यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख पा रहे होंगे, लोग एक पैर छूने के लिए तमाम जो है लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद जो है कि हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ और
सामने देखिए लगभग यहाँ पर मंच पर पहुँच चुके हैं बाबा बागेश्वर और साथ में सतुआ बाबा हैं, दोनों लोग यहाँ पर मंच पर पहुँच चुके हैं। और समूचे भारत वर्ष के साधु संतों के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाने का शुभ अवसर मिला। आज यहाँ पर विराजमान अथवा बाद में इस वार्ता को जो भी सुनेंगे हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता पूज्य श्री सतुआ बाबा जी, उनके इस खालसा में माँ गंगा मैया की गोद में समूचे भारतवर्ष के साधु संत और बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों के साथ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम एक ही बात कहेंगे, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मेरे पागले जितने दिन तक सोते रहे से सोते रहे, ना तो हम कोई राजनेता है, ना हमें राजनीति करनी है, ना तुम्हारी मीडिया पर आने के लिए ये बात बोल रहे हैं। विनम्रता पूर्वक हम तो अपने संतों का आशीर्वाद लेने आए हैं, जिसके ऊपर संतों की चरणों की कृपा हो जाती है तो वो निर्बल भी सबल बन जाता है। याद रखना मेरे पागलो, संगम नगरी से हम घोषणा नहीं प्रार्थना कर रहे, तीन बनावट देश को संत सती अरु सूर, तीन मिटावट देश को कायर कपटी क्रूर। संपूर्ण संसार को संतों का तपोबल चलाता है और जो संतों के आशीर्वाद को लेकर बढ़ता है वो जिंदगी में जहां भी जाता है झंडा गाड़ कर आता है। जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारे जैसा डेढ़ हड्डी का आदमी भी अगर नालायक से बोलने लायक बन जाए, लोग पूछते हैं संतों का चमत्कार क्या है, संतों से होता क्या है, हम कहते हैं संतों से लाखों करोड़ों नहीं पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की रक्षा और सुरक्षा होती है। तो ज्यादा हम प्रवचन देने नहीं आए, ना कोई भाषणबाजी करने आए, बस एक प्रार्थना करने आए। जितने यहाँ संत हैं, जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है,
चुके हैं बागेश्वर बाबा के सरकार जो है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और आप देख पा रहे होंगे तमाम जो श्रद्धालु है वो एक मिलने के लिए जो ग्यास लेकर यहाँ पर आए हुए थे, देख पा रहे होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ पर सवार हो चुके हैं और यहाँ सब तमाम जो श्रद्धालु हैं एक जो है कि नज़र देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और न्यूज वाले तो एकदम बाइट लेने के लिए हाथापाई हो गई है और सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बाकी यहाँ से अब जो है वो गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से। तमाम जो श्रद्धालु इनके गाड़ी के आगे कूद पड़ रहे हैं और जो एक न जाने तमाम पे यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पर हुए और वहाँ पर देख धक्का मुक्की सुरक्षा व्यवस्था जो है एकदम चाक चौबंद होने के बाद भी यहाँ पर सामने आप यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बागेश्वर जी एकदम गेट के बाहर आ चुके हैं। जो सतुआ बाबा का शिविर है वो यही मुख्य द्वार है जहां से कि अब निकल के वो मेजा की तरफ जाएंगे और यहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फूल की एकदम लड़ी लगा दे रहे हैं और इनके सिक्योरिटी होने के बावजूद भी फिलहाल देखिए इनको निकलने में समस्या हो रही है। और बाकी आप इनके चेहरे पर हंसी अभी भी देख पा रहे होंगे और इनका हंसमुख चेहरा ही इनकी एक जो है खूबी है। और फिलहाल आप देखिए यह है सतुआ बाबा का शिविर और पीछे आप देख पा रहे होंगे द्वार और इसी द्वार के एकदम जस्ट बाहर यहाँ पर खड़े हैं तमाम यहाँ पर देखिए जो मीडिया बंधु हैं तमाम लोग जो कि अपने मोबाइल में इनको कैद करना चाहते हैं, एक इनकी फ़ोटो हो जाए यही सबकी एक मनोकामना है कि उनकी एक फ़ोटो इनके मोबाइल में हो जाए। और फिलहाल जो है कि आप सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे बागेश्वर जी की जो देखिए हाथ जो है कि पीटने की जो एक फिलहाल देखें यहाँ से बागेश्वर बाबा यहाँ से जा चुके हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं आप पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसके साथ हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अशोक नगर। हाँ और क्या हुआ बाबा से यहाँ पर मिलने आए थे देखने आए थे? हाँ देखने आया था कुंभ का मेला में देखने के लिए आया। आपका मन्नत तो पूरा हो गया? मन्नत पूरा हो गया मेरा। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु है जो की यहाँ से गुजर रहे हैं और कहाँ से आए हैं सर? मध्य प्रदेश भोपाल से आए। हाँ केवल बाबा को देखने आए थे? आशीर्वाद ले लिए। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से आए। जौनपुर से बाबा को देख रहे हैं स्पेशली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तो फिलहाल यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हुए हैं? एमपी से आए हूँ। और बाबा के दर्शन करने आए थे? बाबा के दर्शन करने आए। हो गया दर्शन? आने के लिए कुंभ नहाने के लिए आए थे, बाबा के दर्शन करने के लिए। तब तो मन सफल हो गया होगा? सफल हो गया जी। जी मन सफल हो गया। कहाँ से आए महादेव? मैं तो आया हूँ प्रयाग से ही। प्रयाग से ही हैं। बाबा के दर्शन नहीं करने आए थे? दर्शन करने आए। दर्शन हो गया? स्नान भी कर रहा हूँ एक महीने से। अच्छा और एक महीना मैंने अन्न जल नहीं ले रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा प्रयाग क्षेत्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखे तमाम जो श्रद्धालु थे हमारे साथ जुड़े हुए थे और